चंद्रपुर लोकसभा का चुनाव 11 अप्रैल को होने जा रहा है। बीते वर्षों में चंद्रपुर लोकसभा के नतीजों को देखते हैं। सीटीवी की नजर चंद्रपुर लोकसभा पर, सीटीवी की खास प्रस्तुति। सीटीवी की नजर चंद्रपुर लोकसभा पर, इस कड़ी में अब हम आपको लेकर चल रहे हैं। जैसा कि चंद्रपुर लोकसभा का चुनाव 11 अप्रैल को होने जा रहा है, अब हम चल रहे हैं इस पूरे लोकसभा क्षेत्र के पूरे कार्यकाल पर। चंद्रपुर लोकसभा के पिछले लगभग 20 वर्ष के इतिहास पर कि इस लोकसभा क्षेत्र पर कब किसने किस पार्टी ने अपना परचम लहराया। गौरतलब है कि अगर इससे थोड़ा और पीछे जाए तो इस लोकसभा क्षेत्र पर कांग्रेस के ज्येष्ठ नेता स्वर्गीय शांताराम पोटुगे ने 1980, 1984, 1989 और 1991 में सांसद के रूप में निर्वाचित हुए थे और केंद्र में केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री की भी भूमिका निभा चुके हैं। वहीं चंद्रपुर की लोकसभा सीट पर भाजपा प्रत्याशी के रूप में 1996 में हंसराज अहिर निर्वाचित हुए थे, मगर वे ज्यादा दिन तक सांसद नहीं रहे क्योंकि फिर लोकसभा के चुनाव फिर से हुए। 1998 में कांग्रेस की ओर से ज्येष्ठ नेता नरेश पुगलिया निर्वाचित हुए थे और वहीं 1999 में वे दोबारा सांसद चुने गए। बीजेपी की ओर से सांसद वर्तमान केंद्रीय राज्य मंत्री हंसराज अहिर को चुनावी दंगल में 2004 में उतारा गया और वे सांसद चुने गए। वही 2009 और 2014 में जीतने में सफल हुए। 2014 के चुनाव के बाद उन्हें केंद्रीय राज्य मंत्री विभिन्न विभागों का बनाया गया, तो वर्तमान में वे केंद्रीय राज्य मंत्री के पद पर हैं। और अब चलते हैं वर्तमान में लोकसभा चुनाव पर, जहां एक बार फिर हंसराज अहिर भाजपा सेना गठबंधन के प्रत्याशी के रूप में चुनावी दंगल में उतरे हुए हैं। वही कांग्रेस राका गठबंधन की ओर से पूर्व में भद्रावती बरुआ के शिवसेना विधायक बालू धानोरकर, जिन्होंने त्याग पत्र देकर अब कांग्रेस में प्रवेश कर चुनाव लड़ रहे हैं। और सबसे रोचक बात यह है कि कांग्रेस में चल रहे खींचतान के बीच अंतिम समय में उन्हें कांग्रेस की ओर से उम्मीदवारी दी गई। एक बार फिर हम आपको लिए चलते हैं इस चंद्रपुर लोकसभा क्षेत्र की ओर, जहां एक समय चंद्रपुर जिले की विधानसभा सीटों के साथ इसमें गढ़चिरौली के कुछ विधानसभा सीटों का समावेश था। अब वहीं पिछले सत्र में चंद्रपुर लोकसभा के साथ यवतमाल जिले की वनी आरनी ये विधानसभा जुड़ चुकी है, जिससे पुराने समीकरण और नए समीकरण में काफी बदलाव आए हैं। और अभी चुनाव में या फिर से वही कहानी लिखी जाएगी कि कभी आप तो कभी मैं या कुछ नए उम्मीदवार लोकसभा सांसद के रूप में चुनकर आते हैं। इस ओर सभी की निगाहें लगी हुई है। सीटीवी की खास प्रस्तुति, सीटीवी की नजर चंद्रपुर लोकसभा पर।